यहां पर गौरा माइंस के पास आहर में नहाने गए चार बच्चों में से तीन बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। तीनों बच्चे पलामू के टावर गांव के रहने वाले, माइंस में नहाने के दौरान डूबने लगा था जब एक बच्चा, तो उसके बाकी जो दो साथी थे यानी कि दोनों बच्चे थे उसे बचाने का प्रयास करने लगे और साथ में तीनों बच्चे डूब गए। चौथे बच्चे ने ग्रामीणों को इस बात की सूचना दी, ग्रामीणों ने इसके बाद गोताखोर की मदद से तीनों बच्चों के शव को निकलवा लिया है, बरामद किया है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसर गया है, एक साथ कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। और देखिए चौथा बच्चा जो है वो थोड़ा सा शायद समझदार था कि उसने ग्रामीणों को जल्द से जल्द इसकी सूचना पहुंचाई है। हालांकि इस दौरान अभिभावकों की सतर्कता पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्या अभिभावक अपने बच्चों को ऐसा करने से रोक नहीं रहे थे या रोकना नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये लापरवाही ही कही जाएगी। और संतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। संतोष, ये लापरवाही है या बच्चे खेल खेल में पहुंच गए थे नहाने के लिए बिना बताए अपने अभिभावकों को? देखिए ये बच्चे जो है खेल खेल में ही वहाँ पहुंचे थे, ये चार बच्चे थे जो खेल खेल में वहाँ पहुंचे थे और अचानक एक बच्चा जो है उस नहर में नहाने लगा, जिसके बाद वो डूबने की स्थिति में रहा, जिसे देख के अन्य जो दो बच्चे थे उसे बचाने के लिए कूदे, लेकिन वो तीनों जो है वो डूब गया। जो चौथा बच्चा जो उनके साथ गया हुआ था वो उसने सभी गांव वालों को सूच, तो वो कह सकते हैं कि बच्चे की खेल खेल में ये हादसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी इस बात की हम कहेंगे कि अगर ऐसे माइंस जो अगर बंद पड़े हैं या कहीं चालू है और ऐसे जो नहर टाइप के जो बने हुए हैं ऐसे जगहों पे पाबंदी लगाने की अति आवश्यक है, ताकि गांव के जो बच्चे हैं वो खेल खेल में उस नहर को ना जा सके और इस तरह के हादसा ना हो सके। संतोष, यानी कुल मिलाकर देखिए जब तक माइंस का काम चल रहा होता है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, माइंस का काम खत्म हो गया, माइनिंग बंद हो गई, तो उदासीन हो जाता है प्रबंधन भी और कहीं ना कहीं इसी वजह से हादसे हो रहे हैं। जी निश्चित रूप से, जब काम चलता है तो उस वक्त वहाँ पे गार्ड होते हैं, कई लोग होते हैं जो रोकते टोकते हैं, लेकिन बंद होने के बाद भी इस तरीके के जो माइंस हैं या चलते हुए भर में भी कई माइंस ऐसे हैं, कई घटनाएं भी घटी हैं, तो इस तरह के जो जगह है उस पर कड़ी पाबंदी लगानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया संतोष, हमारे साथ जुड़े अब जानकारी आपने दी। तो देखिए अभिभावक भी थोड़े सतर्क रहे, थोड़े चौकन्ने रहे, क्योंकि बाल मन होता है वो भटक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।